चालू सप्ताह के चौथे कारोबार दिन शिकागो के अनाज अनुबंधों में मंदी आई है। कारोबारियों और विश्लेषकों ने कहा है कि इस सप्ताह रहे गर्म और शुष्क मौसम के बाद दक्षिणी ब्राजील तथा उत्तरी अर्जेंटीना में अगले सप्ताह वर्षा होने के अनुमानों की वजह से इन अनुबंधों में मंदी दर्ज की गई है। उन्होंने आगे बताया कि क्रूड ऑयल में भी मंदी आने के कारण बाजार की धारणा प्रभावित हुई है। बाजार अमेरिकी कृषि विभाग की साप्ताहिक निर्यात बिक्री रिपोर्ट की भी प्रतीक्षा कर रहा है। शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड का सर्वाधिक सक्रिय सोयाबीन वायदा 0.25% घटकर 15.83 डॉलर प्रति बुसल रह गया है। गेहूं वायदा 7.78 डॉलर पर 0.29% मंदा हुआ है। मक्की वायदा 0.31% मंदा होकर 6.45 डॉलर रह गया है। अमेरिकी कृषि विभाग की निर्यात बिक्री रिपोर्ट भी जल्दी ही आने वाली है। माना जा रहा है कि इस रिपोर्ट में विभाग सोयाबीन की निर्यात बिक्री 15.50 से 33 लाख टन के बीच होने का अनुमान व्यक्त कर सकता है। उधर ब्राजील में इस सीजन के दौरान सोयाबीन का 12.58 करोड़ टन उत्पादन होने की उम्मीद व्यक्त की गई है, जो कि ब्राजील के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में फसल तुअर से पूर्व किए गए तुअर के बाद व्यक्त किए गए अनुमानों की तुलना में 80 लाख से ज्यादा टन की नीचे आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।